हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञान पुनः 91 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चलिए आज हम लोग सचिन सर्किल नोट्स का दोस्तों सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। CDP पार्ट 2 का है दोस्तों। ये जो CDP हम करवा रहे हैं दोस्तों, ये पार्ट 2 का है दोस्तों। पार्ट 2 पेपर 1 और पेपर 2 दोस्तों, ये जो आज जो सेट 4 जिसका करवा रहे हैं वो आपका पेपर 2 का है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पेपर 1 का भी करवाया जा रहा है, जो बाय 1 पेपर 1 का पहला वीडियो नहीं देखे हुए वो जाके पेपर 1 का पहला वीडियो देखिए। अब दूसरा वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा दोस्तों। और साथियों, फिर आपका EBS का थ्योरी अपलोड किया जा रहा है, आप लोग EBS का थ्योरी देखिए, क्योंकि EBS बहुत लेंदी बहुत हार्ड पूछा गया था दोस्तों, इसलिए आप लोग EBS की थ्योरी को 1 से 2 या 3 बार देखिए दोस्तों। टाइम जितना मिले फास्ट करके आप वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए दोस्तों। और उसके बाद EBS का फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जो 2023 में पूछा गया उसको भी हम करवा देंगे दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके फायदे के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। आप भाई बहनों को इससे बहुत जो सीटेट देंगे उनको बहुत ही फायदा होगा दोस्तों। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि विकास सीखने का पर्याय है, सीखने से स्वतंत्र रूप में होता है, सीखने से स्वतंत्र रूप में होता है। फिर देखिए, पर संस्कृति कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत है दोस्तों ये सब। सामाजिक संदर्भ में अलग नहीं किया जा सकता है दोस्तों, आपका यही सही है दोस्तों। देखिए क्या बोला, लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। सही बात है दोस्तों, सीखने से स्वतंत्र रूप में होते हैं, आपका ये भी सही है दोस्तों, लेकिन इससे ज़्यादा आपका 4 नंबर सही दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए CDP का मतलब होता है दोस्तों, आप जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसे चुनिए, गलत इसमें बहुत नहीं के बराबर होता है दोस्तों। निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड होता है उसको आपका CDP पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का थ्योरी एक है दोस्तों, इसलिए हम 3 पार्ट में आपको थ्योरी उपलब्ध करवाए हैं। 2 पार्ट तक अपलोड हो चुका होगा, तीसरा पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। आप लोग इस थ्योरी को 2 से 3 बार 4 बार देखिए, उसी से आपको समझ में आ जाएगा CDP में क्या सही क्या गलत है, कौन पॉजिटिव वर्ड है कौन निगेटिव वर्ड है दोस्तों। आप देखते के साथ पकड़ लीजिएगा कि कौन गलत है कौन सही है। जिन लोग देखते हैं, निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है पूछा दोस्तों। देखिए, स्कूली परिवेश की सुरक्षा व बच्चों के अनुकूल बनाना, गलत है दोस्तों। भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर, देखिए गलत मतलब ये मत सोचिएगा, ये ऑप्शन के मुताबिक ये गलत है दोस्तों। ऐसे आप अगर पॉजिटिव के हिसाब से लीजिएगा तो ये आपका सही है, आपका ये भी सही है। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना, ये भी आपका सही है, लेकिन यहाँ निगेटिव खोजना दोस्तों जो गलत है, आपका ये गलत है दोस्तों। विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय कभी नहीं किया जाता दोस्तों, निष्क्रिय ग्रंथता के रूप में पहचाना, ये गलत है दोस्तों। लेकिन आपका ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों सही है, लेकिन हमें यहाँ पे निगेटिव खोजना है दोस्तों। निगेटिव आपका, क्योंकि निगेटिव पूछा गया तो निगेटिव आपका 4 है दोस्तों, इसे आपका पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों, सक्रिय है। चलिए हम लोग 103 देखते हैं। जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने और लिखने और कहानियाँ सुनने के अच्छे कौशल होते हैं, उनमें डैश बुद्धि अधिक मात्रा में होती है दोस्तों, तो भाषाई बुद्धि है दोस्तों होते हैं। कौन बुद्धि है दोस्तों? भाषाई बुद्धि। हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर से देख लेते हैं। जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानियों सुनने के अच्छे कौशल होते हैं, उनमें बुद्धि डैश होती है, बुद्धि अधिक मात्रा में होती है दोस्तों, भाषाई बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 104 देखते हैं। किसने प्रतिपादित किया कि भाषा का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है दोस्तों? तो ये आपका लेव वाइगोत्स्की के थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है दोस्तों? देखिए, शिक्षिका को कक्षा में जेंडर संबंधी मुद्दों को नकारना और निंदा करना गलत है दोस्तों, निगेटिव में गलत है दोस्तों। ये
आप लोग एग्जाम में जब बैठिएगा दोस्तों, तो आपको आप लोगों को सभी ऑप्शन को पढ़ के देखना है दोस्तों। हम तो यहाँ डायरेक्ट इसलिए बता देते हैं कि रिविजन कर रहे हैं फास्टली, इसलिए डायरेक्ट हिट कर देते हैं दोस्तों। लेकिन आपको वहाँ हर एक ऑप्शन को चेक करना है कि कौन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, तब आप टिक कीजिएगा दोस्तों। शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों को जिम्मेदारी से बच्चों को बराबर देनी चाहिए। सही बात है दोस्तों, हर एक बच्चे को बराबर का हक है, सबको एक नज़रिए से देखना भी चाहिए। आपका ये पूरा पॉजिटिव है दोस्तों। पूछ रहा है जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली था, आपका दो सही है दोस्तों। शारीरिक शिक्षिका को शारीरिक कार्य जैसे मेज को लगना लड़कों को और हल्के कार्य जैसे बुलेटिन बोर्ड सब सजाना, ये सब गलत है दोस्तों, ये भी आपका गलत है। शिक्षक समूह चर्चा के दौरान एक शिक्षिका बच्चों से अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है। इस चर्चा के माध्यम से शिक्षिका का उद्देश्य डैश होना चाहिए दोस्तों, आलोचनात्मक चिंतन होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए? आलोचनात्मक चिंतन। अंग्रेजी में देखिए क्या बोलता है, क्रिटिकल थिंकिंग दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जाता दोस्तों? निगेटिव खोजना दोस्तों, मानकीकृत परीक्षण नहीं किया जाता क्योंकि ये निगेटिव है। सहयोगी परियोजना होता है, सहकर्मी मूल्य होता है, कक्षा अवलोकन होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर व्यक्तित्व बुद्धि क्या तात्पर्य है दोस्तों? जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए उनका प्रयोग। जटिल तो देखते ही आप लोग उसे काट दीजिए दोस्तों, क्योंकि निगेटिव वर्ड है। दूसरों की मनोभाव स्वभाव और प्रोत्साहन और नियत को पहचानने और उचित तरीके से प्रक्रिया, ये देखिए आपका पॉजिटिव वर्ड है। और सार्थक और लक्ष्य निर्देशित उद्देश्यों को कुशलता से लक्ष्य निर्देशित नहीं होता है दोस्तों। दृश्यमान स्थानात्मक चीज़ों को सटीक तरीके से समझने, सटीक आपके यहाँ निगेटिव वर्ड है, इसलिए आप पॉजिटिव को ढूंढ के मान लीजिए। देखिए हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर व्यक्तित्व बुद्धि से क्या तात्पर्य है? तो दूसरे के मनोभाव स्वभाव और प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तक उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधिगम और क्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम और क्षमता क्या कहलाता है दोस्तों? तो गुणज विकल्प कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? गुणज विकल्प। देखिए लेखन विकल्प दोस्तों आपका डिसग्राफिया कहलाता है, और पठन विकल्प दोस्तों डिसलेक्सिया कहलाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षाओं को विद्यार्थियों किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं दोस्तों? जहाँ शिक्षिका एकाधारी नहीं हो, गलत निगेटिव है दोस्तों। जहाँ शिक्षिका अधिगम को निर्देश नहीं दे सकती है दोस्तों, निष्क्रिय दो निगेटिव वर्ड है दोस्तों यहाँ। जहाँ मूल रूप से पठन कौशल को अंक, ये भी गलत है दोस्तों, पठन कौशल पर जोर नहीं देना है दोस्तों बच्चों को। जहाँ विद्यार्थी सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं को पूर्ति होती है और जो ध्यान में रखा जाता है दोस्तों, आपका ये पॉजिटिव है, इसलिए आपका 4 होगा दोस्तों। बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य क्या होता है बच्चों? एक जैविक परवर्ग के रूप में देखते हैं बच्चों को, एक जैविक परवर्ग निगेटिव है दोस्तों, यहाँ पे ये नहीं होगा। बच्चों को एक देहिक भी नहीं होगा। बच्चा बाल्यावस्था को विशिष्ट चरणों में नहीं व्यक्त किया जाता दोस्तों। बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना मानते हैं दोस्तों। बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य कहते हैं बाल्यावस्था को विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक किशोर विचार करता है यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास किस स्तर को दर्शाती है दोस्तों? तो आपका दर्शाता है दोस्तों सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता दोस्तों। क्या दर्शाता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होता है दोस्तों? परिशुद्ध की इच्छा होता है, विषय की तीव्र समझ ये भी होता है, तीक्ष्ण उत्सुकता होता है, लेकिन जानकारी को धीमा ऑब्सेशन ये निगेटिव है दोस्तों। धीमा नहीं होता, तेज होता है, तुमने प्रतिभाशाली बुद्धि वाला व्यक्ति मानते हैं उसे दोस्तों। प्रतिभाशाली कब मानेंगे उसको? जब तेज रहेगा सबसे तब, ये धीमा रहेगा तो क्या मानेंगे उसको? तो मंद बुद्धि वाला हो जाएगा। एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना चाहिए। एकदम सही है दोस्तों। एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना, जिससे क्रिएटिव करने में पूछने में सवाल दोस्तों उसे पढ़ने में इच्छुक करें दोस्तों। प्रत्यावरण और पुनरावृत्ति गलत है दोस्तों। प्रत्यक्ष
तरीके से इस्तेमाल ये भी करते हैं, गलत है, बारम्बार गुफाओं सजा देना, सजा देना तो कभी नहीं बोलता है, तो निगेटिव वर्ड है ये सब। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। सही बात है दोस्तों, विभिन्न संस्कृतियों संदर्भ में पालने वाले बच्चे के लिए बचपन के अनुभव भिन्न 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 होते हैं दोस्तों। ये आप दोनों सही है दोस्तों, व्याख्या भी सही है दोस्तों। दोस्तों ये सही है लेकिन आर गलत है आपका, ये जो सही है लेकिन आर आपका गलत है दोस्तों। देखिए फिर से, ये तो आपका हम सही बोले कि विभिन्न संस्कृतियों संदर्भों में पलने वाले बच्चों के लिए बचपन के अनुभव भिन्न होते हैं। बचपन भिन्न नहीं होगा दोस्तों, बचपन तो सभी का एक जैसा बीतता है, इसलिए इसी कारण आर गलत है दोस्तों। इसलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों की भागीदारी न्यूनतम होती है। एक प्रगतिशील कक्षा में दोस्तों क्या होगा, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे निगेटिव है, याद कभी नहीं करवाता है दोस्तों। समूह व्यक्तिगत, बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं, ये कुछ हद तक ठीक है दोस्तों। बच्चे का मूल्यांकन, मूल्यांकन पेपर पेंसिल कभी नहीं देते, ये निगेटिव है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न से किसे बढ़ावा देता है दोस्तों। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न से किसे बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान को, मतलब हर एक वर्ग के बच्चों को एक नजरिए से देखना दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा का दर्शन है दोस्तों। समावेशी शिक्षा का दर्शन है, केवल देखते ही आप काट दीजिए, अपवर्जन की सभी नीतियों और आचरण की चुनौती देती है दोस्तों। आपका ये सही है, अपवर्जन की सभी नीतियों और आचरण को चुनौती देता है। दूसरा देखिए, समावेशी शिक्षा का आधार शिक्षा का दर्शन विद्यार्थियों उनकी योग्यता के आधार पर पृथक स्कूलों में, ये गलत है दोस्तों। पृथक तो कभी हो ही नहीं सकता है। बहिष्करण के समान ये भी नहीं होगा दोस्तों। प्रोत्साहित का बहिष्कार यहाँ गलत है, ये पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे ये निगेटिव है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक विविध कक्षा कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, तो एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए दोस्तों, आप लोग दिमाग पर जोड़ दीजिए। सबके लिए एक जैसा शिक्षा शास्त्र अपनाना चाहिए दोस्तों। नहीं दोस्तों गलत है। सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों, आपका ये पॉजिटिव है दोस्तों। शिक्षक बाल केंद्रित तत्व, शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, ये भी गलत है। परीक्षाओं को और केंद्रित शिक्षण करना गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार के अनुकूल पद्धति कौन सी है दोस्तों, विद्यार्थियों को खड़े होकर कार्य करने की अनुमति देना दोस्तों, ये आपका सही है बोला गया। वह विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता मतलब कम ध्यान दोस्तों, अतिक्रियाशीलता विकार अनुकूलन पद्धति कौन सी है, तो विद्यार्थियों को खड़े होकर कार्य करने की अनुमति देना, कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना दोस्तों, सही बात है, ये भी सही है। कक्षा कार्य को पूरा करने के लिए सख्त समावधि तय, ये गलत है दोस्तों। सख्त समावधि नहीं करना चाहिए दोस्तों। एक समय पर एक कार्य देना दोस्तों, आपका एक है, दो आपका सही है दोस्तों, एक दो और चार सही है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म विद्यार्थी व उनकी पहचान को गुणधर्म का सही मिलान करता है दोस्तों, तो सोलिन विद्यार्थी गतिक क्रियाओं का दोहराव दोस्तों। फिर से एक बार देख लीजिए, किस युग्म कौन सा युग्म विद्यार्थी व उनकी पहचान के गुणधर्म का सही मिलान है, तो सोलिन विद्यार्थी गतिक क्रियाओं का दोहराव दोस्तों। अंग्रेजी में देखिए ऑटिज्म रिपीटिव मोटर मूवमेंट दोस्तों। एक शिक्षिका विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का को कैसे बढ़ावा दे सकती है दोस्तों, एक शिक्षिका विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है, तो दोस्तों आप सारी प्रवृत्ति वाले प्रश्न को पूछकर और विद्यार्थियों को और सामान्य उत्तरों के प्रति संवेदनशील और लचीले होकर दोस्तों, आपका दोनों सही है दोस्तों, ये दोनों गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु को क्या करना चाहिए दोस्तों, विद्यार्थियों को निजी जीवन के अनुभवों से जोड़कर जाना चाहिए दोस्तों। मतलब पूछा गया है, सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु को विद्यार्थी के निजी जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को बच्चों को उनकी आवाज़ खोजने में मदद करती है, उनकी आवाज़ खोजने में मदद करनी चाहिए और वो उनकी जिज्ञासा को पोषित करना चाहिए, चीज़ों को करके देखना, सवाल पूछना, जांच पड़ताल करना दोस्तों। चलिए आगे हम देखते हैं। सही आपका ये है दोस्तों, सीखना समझ बनाने की प्रक्रिया ना कि पुस्तकीय ज्ञानों को ज्यों का त्यों प्ररूपित करना दोस्तों।
दोनों सही दोस्तों, व्याख्या भी आपका सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक संरचनावादी शिक्षिका को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए दोस्तों। एक संरचनावादी शिक्षा को क्या करना चाहिए, उदाहरण भी देना चाहिए और गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए दोस्तों। केवल देखते ही काटिए, संपर्क को देखते काटिए, और फिर यहाँ भी केवल है कक्षा में उदाहरण और उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों ही नहीं देना दोस्तों। नहीं नहीं, यहाँ निगेटिव पूरा पूरी है दोस्तों, इसलिए पॉजिटिव आपका एक ही है दोस्तों। चलिए डैश, विद्यार्थी को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। तो देखिए यह मान्य आपका ये गलत है भाई, ये भी गलत है। यह मान्यता की क्षमता अटल, ये भी गलत है दोस्तों। देखिए यह मान्यता की क्षमता वार्धिक और नियंत्रण है दोस्तों, यह मान्यता की क्षमता वार्धिक और नियंत्रणीय है दोस्तों। पर चार सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षक छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू करते समय उनके पूर्व ज्ञान का आह्वान करने के लिए गतिविधियां कराती है। इस क्रियाकलाप समय क्या नहीं, क्या सही नहीं है दोस्तों। यह छात्रों में जानकारी का जुड़ाव एवं संबंध बनाने में सहायक है। यह समय और संसाधन की बर्बादी है। देखिए ये भी गलत है दोस्तों। छात्रों में जानकारी का जुड़ाव एवं संबंध बनाने में सहायक, ये गलत है दोस्तों। क्योंकि अगर पॉजिटिव नजरिए से देखिएगा तो ये आपका सही है, लेकिन यहाँ निगेटिव खोजना है इसलिए इसको काट रहे हैं दोस्तों। यह समय और संसाधन की बर्बादी, ये भी सही है दोस्तों। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी बनाने में सहायक नहीं है दोस्तों, ये भी सही है। यह अधिगम के लिए तैयार करने के लिए एक सकारात्मक, देखिए आपका बर्बादी आपका यहाँ पे एक निगेटिव है दोस्तों, और आपका फिर दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने की नहीं, ये भी पूरा पूरी निगेटिव है दोस्तों, इसलिए आपका इसमें दो गलत है दोस्तों, दो और तीन दोस्तों। अब दो पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक छात्रों की चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है दोस्तों। उन्हें कड़ी सजा नहीं दोस्तों, उन्हें कड़ी सजा नहीं देना चाहिए। बच्चे को कड़ी सजा दीजिएगा तो कभी वो पढ़ ही नहीं सकता दोस्तों, डर जाएगा। पुरस्कार देकर, ये भी नहीं दोस्तों, प्रलोभन हो जाएगा उसको। प्रत्यास्मरण वो बार बार अभ्यास, ये इससे तो रोड लर्निंग हो जाएगा दोस्तों, मतलब रटन अभ्यास हो जाएगा दोस्तों। उनकी भावनाओं के बारे में बात करके और उनको उससे जूझने में मदद करके दोस्तों, मतलब एक शिक्षक छात्रों की चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है, उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करके और उनको उससे जूझने में मदद करके दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। उनसे देखिए, शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित विद्यार्थी बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं दोस्तों। उच्च उपलब्धि वाले शिक्षार्थियों की प्रशंसा तो कभी प्रोत्साहित करके, पर उच्च उपलब्धि वाले शिक्षार्थियों, नहीं दोस्तों, उच्च उपलब्धि वाले को अगर हम प्रशंसा करें तो जो कमजोर है वो तो फिर घबराइए जाएगा दोस्तों। कम उपलब्धि वाले शिक्षार्थियों को दंड देकर, ये भी गलत है दोस्तों, निगेटिव है। उन्हें शिक्षक को नकल तो करना देना है ना दोस्तों, सीखने में आनंद भाव पैदा करके दोस्तों, आपका ये सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब जफर अपने माध्यमिक कक्षा में के विद्यार्थियों को प्रश्न करता है तो आप कैसे सीखते हैं इसके बारे में क्या सीखा दोस्तों। तो वह कौन सा कौशल प्रोत्साहित कर रहा है दोस्तों, तो अधिसंज्ञान कर रहा है, कि मेटा कॉग्निशन का कर रहा है दोस्तों। क्या कर रहा है, अधिसंज्ञान। फिर से देखिए, जब जफर अपने माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों से प्रश्न करता है आज अपने आप कैसे सीखते हैं इसके बारे में क्या सीखा, तो वह कौन से कौशल प्रोत्साहित कर रहे हैं, अधिसंज्ञान, मेटा कॉग्निशन दोस्तों। अनुबंध नहीं करेंगे, समान प्रत्यारोहण अनुकरण भी नहीं करेंगे दोस्तों, ये सब बचपन में ही किया जाता है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि किस तरह समस्या समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। फिर से देखिए, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि किस तरह समस्या का समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। सही दोस्तों, अपनी सोच को बदलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना प्रभावी शिक्षण का नीति है, तो दोनों सही है आपका दोस्तों, और व्याख्या भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बच्ची की संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। क्या बोला गया, एक बच्ची की संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। असंज्ञान और संवेग परस्पर संबंधित, दोनों सही है दोस्तों, ये भी आपका यार दोनों से आर एक सही व्याख्या करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की संस्कृति विविधता को किस प्रकार देखना चाहिए दोस्तों? तो विद्यार्थियों की कमी दोस्तों, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की संस्कृति विविधता को किस प्रकार देखना चाहिए? तो विद्यार्थियों में कमी निगेटिव है दोस्तों, संस्कृति में क्या देखना चाहिए? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों का विकास एक सीधा पथ नहीं है, बच्चों का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है और फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस साधन को दर्शाता है दोस्तों? तो एक दस विकास की चक्रीय बढ़ोतरी दर्शाता है। क्या दर्शाता है? चक्रीय बढ़ोतरी दोस्तों, पहले बढ़ता फिर घटता फिर बढ़ता फिर घटता, चक्रीय बढ़ोतरी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक बच्चों को बनाए हुए होते हैं, आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होते हैं। स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है, स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है कि जहां बच्चे दूसरे के प्रसन्न रखना उनकी सहायता करना चाहिए दोस्तों, या समझता बस एक ही ऐसे दोस्तों, बच्चे दूसरों को प्रसन्न करना उनकी सहायता करना चाहता है दोस्तों। ठीक है, फिर से देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर उत्तर पारंपरिक स्तर है दोस्तों, तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम वाले स्तर को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखता है और उनकी सहायता करना चाहता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूर्ति कक्षा चार का विद्यार्थी है, मूर्ति जो है कक्षा चार की विद्यार्थी है, पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाती है जितना किसी कक्षा एक के विद्यार्थी का स्तर होता है। मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने संबंधों में वर्तनी तथा पठन में भी कठिनाई आती है। तो मूर्ति किसके लक्षण प्रसिद्ध कर रहा है दोस्तों? तो पठन विकल्प का दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है, छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान रखना बात सही है दोस्तों। पाठचर्या आकलन को छात्रों की आवश्यकता अनुकूलन बनाना ये भी सही है दोस्तों। छात्र संवाद हेतु लचीला समूह ये भी सही है, कठोर तो हो ही नहीं सकता, देखते के साथ आप काटिए, आपका दो सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समकालीन सिद्धांत बचपन को डैश मानते हैं दोस्तों, एक सामाजिक संरचना मानते हैं। समकालीन सिद्धांत बचपन को क्या मानते हैं? एक सामाजिक संरचना मानते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक क्रियाओं का आधार क्या है दोस्तों? तो भाषा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है? भाषा है साथियों। चलिए, वे विद्यार्थी जिन्हें वाच वैकल्प है उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किसे वर्जित करना चाहिए दोस्तों? तो मानकीकृत तो हो ही न हो आकलन दोस्तों, आपका यही तो होगा क्योंकि यहाँ सीधे क्वेश्चन पूछा दोस्तों। वे विद्यार्थी जिन्हें वाच विकल्प मतलब बोलने में दिक्कत है दोस्तों, उनके सफल समावेशन हेतु इसे वर्जित करना चाहिए, तो मानकीकृत आकलन का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर एक विद्यार्थी किसी क्रिया को मूल्यवान मानता है लेकिन उस क्रिया को करने के लिए उसके पास बहुत कम नियंत्रण हो तो इस अवस्था में विद्यार्थी किस तरह के भाव का एहसास करेंगे दोस्तों? कुंठा का। किस तरह का दोस्तों? कुंठा को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चे में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है दोस्तों? अनुवांशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया है दोस्तों। क्या है? अनुवांशिकता और मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोस्तों, हेरिडिटी गुने इंटू इन्वायरमेंट दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही होता है? विकास एक समान तो होता नहीं है दोस्तों, विकास बिल्कुल अप्रत्यक्ष गलत है। विकास एक व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है दोस्तों, आपका ये सही है। विशिष्ट सामान्य समान से विशिष्ट होगा दोस्तों, ये भी गलत है। चलिए स्कूल में मिड डे मील भोजन की व्यवस्था के छात्रों का बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सकता है। तर्क आर देखिए, पर्यावरण कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका नहीं होती है क्योंकि विकास केवल अनुवांशिकता से निर्धारित होते हैं। यही विकल्प सही विकल्प है दोस्तों, यह दोनों सही है, ये सही है दोस्तों, आपका ये जो है सही है लेकिन आर गलत है दोस्तों। सामाजिकरण की द्वितीय संस्था के रूप में स्कूल क्या प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों? तो जान रहे हैं आप लोग, बच्चों द्वारा घर में सीखी गई बातों में ये नहीं होगा दोस्तों। परिवार का विस्तार जिससे बच्चे की परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। फिर से एक बार देखिए, क्या बोला? सामाजिक संस्था के रूप में स्कूल का
क्या प्रमुख उद्देश्य होता है दोस्तों? तो उद्देश्य होता है कि परिवार का विस्तार, जिससे बच्चे को परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिन प्याजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है दोस्तों, उसे हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन दोस्तों। समावेशन हिंदी में होता है, समावेशन अंग्रेजी में एसिमिलेशन दोस्तों। तो देखिए, जिन प्याजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में एक नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है तो समावेशन कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश में बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने और कौशल पा लेते हैं, परंतु निगमनात्मक सोच नहीं कर पाते दोस्तों। तो ये मूर्त संक्रियण अवस्था में होता है। किस में होता है दोस्तों? मूर्त संक्रियण। इसका काल है दोस्तों 7 से 11 वर्ष दोस्तों। समिति चालक का जानिए 0 से 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रियता अवस्था का दोस्तों 2 से 6 वर्ष दोस्तों। अमूर्त का जान रहे हैं प्लस 11 वर्ष से 18 वर्ष के बीच दोस्तों, यानी 15 वर्ष के बीच। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर को क्या कहते हैं दोस्तों? इस बात पर ध्यान देना कि सांस्कृतिक कारक लैंगिक नीति के विकास को कैसे प्रभावित, ये गलत है दोस्तों। लैंगिक नीति नहीं होगा, अच्छा या बुरा नियमों को पालन या अपज्ञा परिणाम को निर्धारित करना दोस्तों। आपका ये सही है, क्योंकि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत स्तर क्या विशेषता है? अच्छा या बुरा नियमों के पालन या अवज्ञा के परिणामों को निर्धारित करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वायगोत्सुकी के सामाजिक संस्कृति सिद्धांतों में विश्वास रखने वाली एक शिक्षिका को क्या कहेंगे दोस्तों? विद्यार्थियों को बीच अंतःक्रिया संवाद को हतोत्साहित नहीं करना दोस्तों, जबकि प्रोत्साहित करना, ये गलत है। जरूरत पड़ने पर उपयुक्त पार देना दोस्तों, आपको मतलब जरूरत पड़े पार देने मतलब दोस्तों स्कैफोल्डिंग हुआ, मतलब मदद देना दोस्तों। जरूरत पड़े तो विद्यार्थी को हिंट दीजिए, इससे विद्यार्थी को कोई भी क्रिएटिविटी करने में दोस्तों उसे मदद आसानी होगी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लेव वायगोत्सुकी के सिद्धांतों के अनुसार बच्चे वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सनिर्माण संयुक्त विकास के क्षेत्र दैश किया जाता है दोस्तों। तो देखिए आपका अंदर किया जाता है, मतलब संयुक्त विकास का क्षेत्र अंदर सनिर्माण अंदर किया जाता है, यानी दोस्तों विदिन क्या बोला गया। लेव वायगोत्सुकी के सिद्धांत के अनुसार बच्चे व वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सनिर्माण संयुक्त विकास के क्षेत्र के अंदर किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है दोस्तों? तो केवल संरक्षित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से बुद्धि लब्धि IQ की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में क्या प्रमुख चिंता यह है दोस्तों? यह आपका वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं होते हैं, वे सांस्कृतिक रूप से मानकीकृत शुरू में निगेटिव है दोस्तों। आपको निगेटिव का ऑप्शन निगेटिव ही चुना जाएगा ना। केवल भी देखिए ये भी गलत है। बुद्धि के व्यापक रूप ये भी गलत है दोस्तों, सभी गलत हो जाएगा। इस तरह तो आंसर कैसे हो गया? मानकीकृत परीक्षण का उपयोग से बुद्धि लब्धि IQ की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं होते। बात सही है दोस्तों, आपका यही सही होगा दोस्तों। गुणात्मक नहीं होता है, व्यापक भी नहीं होता दोस्तों, बुद्धि के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कथन वन, शिक्षकों को प्राथमिक और माध्यमिक कक्षा में मुद्रित समृद्ध वातावरण नहीं बनाना चाहिए। भाषा का विकास जन्मजात क्षमता दोस्तों, आर सही है दोस्तों। भाषा का विकास जन्मजात क्षमता, ये गलत है दोस्तों। भाषा का विकास जनजात क्षमता नहीं होता है दोस्तों, ये और आर दोनों गलत है दोस्तों आपका। शिक्षक को प्राथमिक और माध्यमिक कक्षा में मुद्रित समृद्ध वातावरण नहीं बनाना चाहिए या नहीं दिया, इसलिए गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लड़कों और लड़कियों के जेंडर उचित व्यवहार अपने जेंडर के वयस्कों व का अवलोकन व अनुकरण करके सीखते हैं। जेंडर पूर्णता जैविक संस्था, दोनों सही है दोस्तों आपका, ये सही है दोस्तों, लेकिन आर गलत है। आर कैसे गलत हुआ दोस्तों? जेंडर पूर्णता जैविक संगठन, जेंडर जैविक संगठन नहीं है, जीन्स नहीं, सॉरी दोस्तों ये नहीं हो सकता, आर आपका नहीं हो सकता। लड़के और लड़कियों जेंडर उचित व्यवहार अपने जेंडर के वयस्कों के अवलोकन व अनुसरण कर सके सीख सकते हैं, ये बात सही है दोस्तों, लेकिन जेंडर पूर्णता जैविक संगठन नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कैरोल गिलगिन का तर्क है कि कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत नारीवादी
और नैतिकता जो देखभाल के आचार पर बल देती है, जिसकी अवहेलना की गई है। दोस्तों आपका सही है दोस्तों, कोहल वर्ग के करोल गिरी ने अवहेलना की थी दोस्तों। आपको थोड़ी पढ़िया तो आपको ये समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है दोस्तों? गैर भेदभाव जरूरी है। दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? गैर भेदभाव जरूरी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाहित करने में निम्न से कौन सा सहायक है दोस्तों? खोज अधिगम और ज्ञान निर्माण के लिए एक प्रेरक वातावरण दोस्तों। क्या निर्माण है जरूरी? विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाहित करने में निम्न से कौन सा सहायक है? तो खोज के द्वारा दोस्तों, मतलब कोई भी चीज़ दीजिए उसको खोज के करिए लिखने के लिए, उसको खोज अधिगम और ज्ञान निर्माण और प्रेरक वातावरण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता के सुमनन करती है, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि के उद्दीपक है करते हैं। तो विकास के सही पहलू अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं दोस्तों। देखिए आर आपका सही है और ए भी आपका सही है दोस्तों, आपका दोनों से आर की सही व्याख्या कर रहा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन कि किस स्तर पर है? अगर वह बच्चा यह तर्क देता कि हिंद को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है, और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं है तब हिंद को भी ऐसा ऐसे करने की स्वीकृति नहीं जानी चाहिए दोस्तों। ये आपका हो जाएगा कानून व्यवस्था का उन्मुखीकरण दोस्तों, अभिमुखता, कानून व्यवस्था का अभिमुखता दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए तो दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार कोई बच्चा अगर नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है, अगर वह बच्चा यह तर्क देता है कि हिंद को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह नागरिक के रूप में उनका कर्तव्य है, और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं है तब हिंद को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए दोस्तों, कानून और व्यवस्था अभिमुखता है, सही बात है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक विद्यार्थियों को विद्यालयी परियोजना हेतु अपने स्थानीय विरासत पर प्रस्तुति तैयार करने को प्रोत्साहित करता है, और सही है दोस्तों, अपने समुदाय और विरासत संबंधी अनुभवों को साझा करना विद्यार्थियों को समावेश महसूस करने में मदद करना दोस्तों। आपका ए आर आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं की जानकारी और संबंधित खंडों में प्रस्तुत करनी चाहिए, और जिन संपत्तियों का आकलन हो चुका है उनका कोई संदर्भ नहीं देना चाहिए दोस्तों। अधिगम एक रेखीय तरीका नहीं है दोस्तों, आपका दोनों गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं को जानकारी और संबंधित, यहीं पर निगेटिव है दोस्तों, संबंधित खंडों को प्रस्तुत करनी चाहिए और जिन संपत्तियों का आकलन हो चुका है उनका कोई संदर्भ नहीं होगा, सीधा गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य से सही है? तो देखिए बच्चे के व्यवहार को अनुभवों की वजह छोटे वृद्धि से संबंधित परिवर्तन के रूप में व्याख्या की जाती है, ये गलत है। व्याख्या तो कभी की ही नहीं जाती है दोस्तों, ये देखते हुए काटिए। बच्चों के व्यवहार को पूरी तरह से जीवन के आरंभिक मूल्यों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, ये भी गलत है दोस्तों। आरंभिक अनुभव बच्चों उत्कृष्ट अवसर देखते हुए काटिए। बच्चे क्रियाशील प्राणी है जो अब सामाजिक संस्कृति संदर्भ में कम व अंत क्रिया करके ज्ञान सृजन करते हैं, आपका चार सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसे दृष्टिकोण रखती है दोस्तों? जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास के खोज अन्वेषण करना जानना चाहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन कैसे होना चाहिए दोस्तों? मूल्यांकन योगात्मक तो होना ही नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि योगात्मक आपका साल में एक बार तो सर्वांगीण और समग्र होना चाहिए दोस्तों। देखिए इंग्लिश में क्या बोलता है, होलिस्टिक और कंटिन्यूअस दोस्तों, मतलब मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, जिसे आज आप कोई चीज़ के बारे में बताए दोस्तों, उसको फिर कल बोलिए उस विषय के बारे में लिखने के लिए दोस्तों, या तो चर्चा करने के लिए, तब आपका ओरिजिनल मूल्यांकन होगा दोस्तों। क्योंकि अगर देखिएगा कहाँ पे बच्चा गलती कर रहा, फिर उसके अथी उसको सिखाना है, फिर आप अपना तरीका को बदलिएगा, उसे फिर से समझाइएगा दोस्तों,
सर्वांगीण और समग्र विकास जरूरी है दोस्तों। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सर्वांगीण और समग्र दोस्तों। मानकीकृत देखते हुए काटे शिक्षक केंद्रित होता नहीं तो बाल केंद्रित होता है। युगात्मक मानक भी नहीं तो मानक संदर्भ यहाँ गलत है दोस्तों। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। कौन से अधिक अभिलक्षण एक समालोचनात्मक विद्यार्थी के नहीं है? आँख बंद करके निर्देश का पालन करना दोस्तों यही गलत है दोस्तों। खुली मानसिकता और जिज्ञासा ये पॉजिटिव है दोस्तों, ये होगा। स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न ये भी होगा दोस्तों। स्रोतों की विश्वसनीयता का आकलन ये भी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन निम्न में से क्या एक समावेशी कक्षा जिसमें प्रत्येक बच्चे के विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप लचीले अधिगम में सहायक है दोस्तों? तो ये आपका सीखने के सार्वभौमिक अभिकल्प होगा दोस्तों। मानकीकृत देखते काटिए, मानकीकृत ये सब गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव है। कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को सुनने में मदद करता है दोस्तों? सुनने में अगर जो मदद करेगा वो दोस्तों आपका ध्वनि प्रवर्धक होगा। क्या होगा? ध्वनि प्रवर्धक दोस्तों, साउंड एम्पलीफायर दोस्तों जिसे बोलते हैं। कौन सा उदाहरण सहायक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को सुनने में मदद करता है? तो ध्वनि प्रवर्धक दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है दोस्तों? अभिसारी सोच आपका हो जाएगा दोस्तों, फिर विचारों की मौलिकता हो जाएगा, लचीलापन होगा दोस्तों। आप सारी सोच नहीं हो दोस्तों, क्योंकि एडोलेसेंस एज में होता है दोस्तों, ये बड़ा हो जाएगा, किशोरावस्था में होता है दोस्तों। प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण गतिविधियां विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के आधारित हो और उसे आगे बढ़ाए। आपका एकदम कन्फर्म सही होगा दोस्तों। ये कार्ड देखते हुए काट दीजिए ये सब दोस्तों, जटिल तो होता ही नहीं। चलिए बच्चों के वैकल्पिक अवधारणाएँ क्या होते हैं? वैकल्पिक अवधारणा पूछा तो उनके आत्मकथे और तर्क शून्य सोच ये गलत है दोस्तों। केवल देखते ही काटिए। सीखने की प्रक्रिया में बाधा देखते ही काटिए। दंडित भी दो निगेटिव है दोस्तों। बच्चे को अपने आसपास की घटनाओं के बारे में बनाए सहज सिद्धांत, आपका ये सही है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षक प्रभावी समस्या समाधान को प्रोत्साहित कर सकते हैं तो आप अपनी कक्षा में कई दृष्टिकोण अनुमानों को हतोत्साहित देखते हुए काट दीजिए। आप लोग बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित एकदम सही है दोस्तों। बच्चों को सहज अनुमान लगाना और प्रोत्साहित करके दोस्तों। चलिए हम लोग रोड मेमोरी चरण ये भी गलत होता है दोस्तों। पाठ्य पुस्तक पर पुनरुत्पादन ये भी गलत है। छात्र ध्यान केंद्रित ये गलत है दोस्तों आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक कम उपलब्धि वाले बच्चे के कक्षा शिक्षक के रूप में आपको निम्नलिखित में कौन सी रणनीति सबसे अधिक उपयोगी लगती है दोस्तों? विद्यार्थी को उनकी कम उपलब्धि का एक लंबा व्याख्यान विधि तो हो ही नहीं सकता है दोस्तों। उसकी कम उपलब्धि के चरणों की पहचान करने का प्रयास करना और अल्पकालिक कर सकने योग लक्ष्य निर्धारित करना दोस्तों आपका ये सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अलग संकाय तो देना ही नहीं दोस्तों। बच्चों के माता पिता में बताना और उन्हें बताना कि उनके बच्चे में कोई क्षमता नहीं, ये भी निगेटिव है दोस्तों, पूरा पूरी गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चे में अवधारणात्मक समझ को सक्षम बनाने के लिए इसमें कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि है दोस्तों? तो आप सभी दोस्त जान रहे होंगे, संवाद दोस्तों। कौन सी गतिविधि? संवाद। बच्चों के अवधारणात्मक समझ को सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि है? संवाद दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभात्मक अधिगम को सभी चरणों में अपनाया जाएगा। अनुभात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों पिछले अनुभवों को नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक सीखने के हस्तांतरण को जोड़ने में मदद करना दोस्तों आपका ये गलत है दोस्तों, निगेटिव है दोस्तों। ये निगेटिव पूछा तो निगेटिव है दोस्तों ये। फिर आपका देखिए, छात्रों से अपेक्षा नहीं रखना चाहिए दोस्तों। शिक्षक अधिक सक्रिय, ये गलत है दोस्तों। अपेक्षा तो कभी नहीं, अपेक्षा ही निगेटिव है दोस्तों। हम लोग पूरी तरह से पारंपरिक किताबी ज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित, ये भी गलत है दोस्तों। क्या पूछा पहले वो देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभात्मक अधिगम को सभी चरणों में अपनाया जाएगा। अनुभात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है दोस्तों? आपका ये दोनों सत्य नहीं है दोस्तों, ये दोनों गलत है और ये सत्य है दोस्तों। दोस्तों आपका दो जो है सत्य है दोस्तों, दो आपका गलत नहीं है दोस्तों, दो आपका सत्य है। क्योंकि पिछले अनुभवों के नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक सीखने हस्तांतरण को जोड़ने मत करना, ये आपका पॉजिटिव है दोस्तों। ये यहाँ पूछ रहा निगेटिव नहीं है, तो पूरी तरह से पारंपरिक किताबी ज्ञान पर नहीं बोलता है दोस्तों। आप पढ़े होंगे थ्योरी तो आपको पता होगा दोस्तों, किताबी ज्ञान पर नहीं बोलता है। अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों को वास्तविक ज्ञान, ये भी पॉजिटिव है दोस्तों, ये भी सही है। इसलिए आपका दो और एक और तीन होगा दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है दोस्तों?
उत्तेजना दोस्तों, एक्सिस्टमेंट दोस्तों, कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में सुगम बनाती है, तो उत्तेजना दोस्तों। तो दशहत नहीं करेगा कुंडा, ये सब निगेटिव है तो चिड़ भी नहीं करेगा दोस्तों। बच्चे किस प्रक्रिया से बेहतर सीखते हैं दोस्तों, वेधन से तो नहीं, प्रत्याशन निगेटिव है दोस्तों, निष्क्रिय भी निगेटिव है तो रटकर भी नहीं होगा दोस्तों। निर्देशित खोज दोस्तों आपका, इससे सीखेंगे बच्चे। निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय कौशल जिसमें अपनी सोच के बारे में सोचना शामिल है दोस्तों, तो आपका आदि संज्ञान मेटा कॉग्निशन होगा दोस्तों। क्या बोला गया, कौन सा उच्च स्तरीय कौशल है जिसमें अपनी सोच के बारे में सोचना शामिल है दोस्तों, तो आपका आदि संज्ञान मेटा कॉग्निशन से बोलते हैं। अनुबंधन और पुनरावृत्ति सब निगेटिव है दोस्तों। शिक्षार्थी, शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, विद्यार्थियों को अभिरुचि को ध्यान में रखना दोस्तों, विद्यार्थियों के अभिरुचि को ध्यान में रखना दोस्तों। हम लोग आगे दंड तो नहीं, ये भी नहीं दोस्तों, उचित पुरस्कार ये भी गलत है दोस्तों। गुणज विकल्प की पहचान क्या है दोस्तों, गणन कौशल छीनता, संख्याओं में गणितीय तत्वों को समझने में दिक्कत, अवधान आपका यही होगा दोस्तों, गुणज विकल्प आपका यही होगा। गणन कौशल में छीनता, संख्याओं गणितीय तत्वों को समझने में दिक्कत दोस्तों, आपका एक ही होगा दोस्तों। ये आगे बढ़ते हम लोग, विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों पर माध्यमिक विद्यालय स्तर के अध्यापक को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए दोस्तों। विद्यार्थी को अपनी स्वयं की त्रुटियों की पहचान और उन पर काम करने का अवसर देने चाहिए दोस्तों, आपका तीन सही है दोस्तों। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के चार चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की गई है, यह आलोचना बाल विकास के किस बहस के अंतर्गत आती है दोस्तों, निरंतरता और सततता दोस्तों, इसके अंतर्गत निरंतरता और सततता दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र होते हैं तो विविधतापूर्ण शिक्षण शास्त्र विधियाँ समाहित होती है, एकदम सही है दोस्तों। प्रजातांत्रिक अच्छा प्रक्रिया को सुमंत करता, ये भी सही है। बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास पर ध्यान, ये भी सही है दोस्तों। अध्यापकों सत्कार, ये गलत है दोस्तों, आपका एक और दो और तीन है सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों क्या अभिलक्षण दोस्तों, कौतूहल और जिज्ञासा, क्या अभिलक्षण है प्रतिभाशाली दोस्तों, कौतूहल और जिज्ञासा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, कक्षा में समझ ना बना पाने की सतत अनुभवों और सीख ना पाने की और समर्थता व निष्पादन ना कर पाने के लिए स्वयं को उत्तरदायी दोषी ठहराने का क्या संभावित परिणाम हो सकता है दोस्तों। अधिगम सहायता और सहायता का भाव दोस्तों, क्या हो सकता है, अधिगम और सहायता का भाव दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं, भाषा विकास केवल शिशुअवस्था के दौरान होता है, इसलिए केवल शिशुअवस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए दोस्तों, ये आपका गलत है दोस्तों। शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं, ये भी गलत है दोस्तों, ये और आठ दोनों गलत है दोस्तों, आपका दोनों गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों, छात्र उपदेश होना चाहिए व सदा कक्षा को नियंत्रित में रखना चाहिए। छात्रों के पूर्व ज्ञान दोस्तों आपका हो जाएगा, छात्रों के पूर्व ज्ञान अनुभव को महत्व देना चाहिए, ये आपका 110% सही है दोस्तों। फिर छात्रों के आलोचनात्मक तरीके से सोचने को प्रोत्साहित करना चाहिए, दो और चार सही है दोस्तों, आपका कौन सही है, दो और चार दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है दोस्तों, तो उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर दोस्तों। हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है, उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं दोस्तों, सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा, सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को विद्यार्थी को मौके मुहैया करवाने चाहिए कि वे अपनी त्रुटियों पहचान कर उन पर काम कर सके दोस्तों, आपका तीन सही दोस्तों। माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को विद्यार्थियों को मौके मुहैया करवाना चाहिए कि वे अपनी त्रुटियों पहचान कर उन पर काम कर सके दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए, सही है दोस्तों। अधिगम विकास के लिए नई स्थितियाँ सृजित की करता है दोस्तों, दोनों सही है दोस्तों, यार दोनों सही है, आर्थिक सही व्याख्या करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों, विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना चाहिए दोस्तों, आपका
ये भी सही दोस्तों। किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं दोस्तों? सामाजिक कर्म दोस्तों। किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? सामाजिक कर्म दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 वर्षीय सरला संरक्षण, 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने के लिए करने में कठिनाई होती है दोस्तों। तो आपका दोनों सही है दोस्तों, ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग सूत्रांत देखते हैं। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा गतिविधि दोस्तों। क्या बोला गया? पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो गतिविधि दोस्तों, एक्टिविटी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद वह चॉकलेट नहीं खाता जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोच कर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? वर्ल्ड के सिद्धांत के अनुसार उम्मीद नैतिक विकास के किस चरण में है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा सजा और आज्ञाकारी अभिविन्यास दोस्तों। क्या होगा? सजा और आज्ञाकारी अभिविन्यास दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी वयस्कों के साथ साझी गतिविधियाँ करते हैं दोस्तों? ये है ले वायगोस्की का दोस्तों। किसका नियम कहने का स्टेटमेंट है दोस्तों? ले वायगोस्की दोस्तों। इसे देखिए, किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी, मतलब अपने से ज़्यादा नॉलेज वाले व्यक्ति के साथ, समकक्षी व्यक्तियों के साथ साझी गतिविधियाँ करते हैं, वह किस सीखते हैं उसे? इसके स्काइफोल्डिंग से कनेक्ट मदद करता है सीनियर के साथ दोस्तों, तो ले वायगोस्की हो जाएगा। जब एक शिक्षिका एक बच्चों को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग सुर, अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाता है, तब यह मदद क्या कराती है दोस्तों? पार कराती है। क्या कराती है? पार दोस्तों, स्काइप फोल्डिंग कराती है। फिर से देखिए, जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है, तब यह मदद क्या कराता है? पार दोस्तों। प्रगतिशील कक्षा की अधिगम क्या है दोस्तों? प्रगतिशील कक्षा में अधिगम है, अधिगम का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है दोस्तों। आपका एक सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर को कौन सी धारणा को चुनौती देती है दोस्तों? बुद्धि पूर्व निर्धारण और निश्चित होते हैं दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती देती है? बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। आपका एक सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता दोस्तों। क्या होगा? तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता। क्योंकि यहाँ मैथ का बात हो गया दोस्तों, पैटर्न हो गया, अमूर्त विचार 11+ एज में होता है दोस्तों, उस समय मैथ गणितीय संकल्पना सीखने के लिए हद तक ठीक हो जाते हैं दोस्तों, तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। ले वायगोस्की की सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारे सोच और व्यवहार को दिशा देता है डैश कहलाता है, और तथा उसे डैश क्रिया जाना जाता है दोस्तों। उसे निजी संवाद प्रोत्साहित क्रिया जाना जाता है दोस्तों। आपका 1 नंबर ऑप्शन है। प्रोत्साहित तो करता नहीं दोस्तों, इसमें भी दिया गया आत्म केंद्रित संवाद तो होगा नहीं, प्रोत्साहित तो होगा नहीं। आपका एक सही है दोस्तों। इसलिए आप आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन आपका सेट 4 कंप्लीट कर दिया गया दोस्तों। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। जिन भाइयों बहनों को PDF चाहिए दोस्तों, वो PDF लेने के लिए व्हाट्सअप, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया दोस्तों, उस पर हाय लिखिए, हम आपको वहाँ PDF कर देंगे दोस्तों, प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।